लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन परिवार के साथ कटा के मंत्री तेज प्रताप यादव ने वीडियो कॉल कर कहा हैप्पी बर्थडे पापा। राजद सुप्रीमो में लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन है। ऐसे में लालू राबड़ी आवास पे सुबह से ही कार्यकर्ता और सभी महागठबंधन के लगभग कई नेता लालू यादव को बधाई देने पहुँचे हैं। हर तरफ लालू यादव के पोस्टर, उनके जन्मदिन के लिए लड्डू और मिठाइयाँ सभी लोग लेकर पहुँच रहे हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी संग कई नेता और परिवारगण एक दूसरे को खुशियां बांट रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को लेकर राजद कार्यालय भी दुल्हन की तरह सज रहा है। जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और वहीं लालू यादव और पूरी तरह से स्वस्थ भी हो रहे हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे। पटना से आवाज़ न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उपस्थिति इस मुल्क में सबसे अनिवार्य हो गई है। अकेला शख्स, अकेला व्यक्तित्व जो इन भारत को नुकसान करने वाले, यहाँ पर लोकतंत्र को समाप्त करने वाले, संविधान का विरोध करने वाले हैं, उनके खिलाफ अकेला राजद और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं। याद रख लीजिए, ये जन्मदिन दिवस के अवसर पर राजद के सभी साथियों ने सफल दिया इन षड्यंत्रकारियों को, ये देश को खंडित करने वालों को, ये सावरकरवादी और गोडसेवादियों को, गांधी की हत्या करने वाले, कभी भी गांधी के विचार, लोहिया के प्रतिपक्ष की भूमिका और अंबेडकर साहब के संविधान पर खतरे नहीं, इनको बनने दिया जाएगा, इनको समाप्त किया जाएगा, भारत अखंड रहेगा जो आज है भारत, जहां धर्मांतरण नहीं होगा, उन्माद नहीं होगा, गरीबों की इज्जत होगी, प्रतिष्ठा होगी। आज इसी वक्त पर अपने हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उनके लंबे जीवन आगे नेतृत्व करने की उनको अवसर इस देश को मिले, यही पूरी कल्पना के साथ आज पूरे राष्ट्रीय जनता दल के साथी यहाँ इकट्ठे हुए थे। आप सबों को और आप सबों के माध्यम से सभी अपने शुभेच्छियों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लंबे जीवन की कामना करते हैं। सर, वोट से देशपुत्र हैं। सर, क्या बधाइयां आप लोग दे दिया, पूरा बोल दिया। देखिए, बोल दिया बर्थडे है, मतलब बहुत 76वें बर्थडे आज उनका है, 76वें साल का जन्मदिन। आज बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश है, इतना खुश है कि हमारे जो वर्णन नहीं है। हमारा सुप्रीमो गरीबों का मसीहा है। लालू जी कैसे बैठे हुए हैं, बातचीत कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छे से, अमीषा दीदी से मिले हैं, रोहिणी दीदी से मिले, और सब दीदी हैं जिनसे मिले, माता जी से, लालू बाबू से बहुत खुशी मिला। खुशी से तो हम कमजोर हो रहे, इतना खुश है। केक भी खाए, देखिए हाथ में भी लगा, लड्डू भी खाए, कितना मिठाई देना। उपहार उपहार भी लेके गई थी। हाँ, मैं लालू बाबू के लिए, हम क्या आज फूल है, हमको फूल जैसा आप टिकट दिए थे तो फूल हमने गिफ्ट दिए लालू बाबू का। बधाई ने तो बच्चे बुतरु नौजवान सभी गिफ्ट देते हैं खुशी के अथी से। एक चीज बताइए, आपको लालू जी इतना ऊपर इसी पर हम एक गीत गा देते हैं। बैठा लेने लालू जी, लालू बाबू देखिए चेहलू कौने संजगवे गे मुन्नी बेटी अला दाराबा। बैठा लेने लालू जी, लालू बाबू देखिए। अच्छा, अभी ससुर ससुर अभी जाते भैया विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी शुरू से गावेंगे। बैठा लेने हालू जी, लालू बाबू देखिए कौने सांजग वेगे मुन्नी बेटी अलू दारा। बैठा लेने हालू जी, लालू बाबू देखिए चेलू साई ते साना जगवे जी, लालू बाबू अली दाराबर। आरा बोना मंगियो जी, लालू बाबू दारा बादू चार। आरा बोना मंगियो जी, लालू बाबू दारा बादू चार। एक हाँ में मंगियो जी, लालू बाबू मम्मी से सोभाग। एक हाँ में मंगली जी, लालू बाबू मम्मी के सोभाग। लालू बाबू
से इतना हमको परोपकार किए कि राबड़ी माता जैसे जौरे बैठने के लिए हमको इतना बड़ा पद दे दिए कि आज हमारे दुनिया संसार गरीब अमीर बिजनेसमैन हमारे किसान जान मजदूर सब खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं। मेरे समाज दलित समाज बहुत खुश है। गरीबों के नेता है जो कहता है तीसरा नेत्र शंकर जी का होता था, जैसे स्पष्ट इनका तीसरा नेत्र है, कोई परेखे या ना परेखे। हम तो पागल जैसा है कि पंचायत घर गाँव नगर शहर जिला पटना गया या मेरा दिल्ली राजधानी या रांची सभी जगह हम जाते थे अपना खर्च से नाश्ता लंच लेकर के पूरे पटना झुग्गी झोपड़ी। आज हम जानते थे ना कि हमको लालू बाबू इतना बड़ा हमको गिफ्ट देंगे। हाँ आज क्या गिफ्ट दिए हैं बर्थडे? आज आशीर्वाद दिए लालू बाबू। आप क्या दिए हैं जन्मदिन? जन्मदिन पर हमने फूल का गुलदस्ता दिए खुशी। हाँ उनको क्या हम दे सकते हैं खुशी? गा के सुनाए उनको ये तो हम गा दिए ऐसा कि हमारा न्यूज सब भाई बंधुओं देखेंगे सब देखेंगे। क्या गीत गाए हैं? गीत तो नौकरियां की बात नहीं होती, इस तरह की जो देश में प्रचलन शुरू हुआ है वो एक संदेश जाएगा आज कि लालू यादव हमेशा गरीब गुरबा अकलियत दलित सबके मसीहा हैं रहेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना के कुमार सर सर आज एक बात ये कि 2017 के लड्डू में बहुत विशेष लड्डू है जी, बड़े पैमाने पे सर इतने दिनों के बाद आज लालू प्रसाद यादव जी के साथ आप लोग देखा सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? तमाम देश के गरीब गुरबा दलित अकलियत के ये सबका बर्थडे है आज, ये सिर्फ लालू जी का बर्थडे नहीं है। ये प्रश्न जो आप लोग पूछते हैं कि लालू जी का बर्थडे है उसी में हम लोग को तकलीफ हो जाती है, यह तमाम उस देश के उन गरीबों का बर्थडे है जिनके लिए इन्होंने जीना सीखा है। लालू यादव की जीवन अगर निकालिएगा तो इनके कुर्ता पजामा की कीमत 10 रुपया न रही होगी, 2.5 से 3 लाख का तो ये नहीं पहनते हैं। ये गरीब गुरबा के नेता हैं और तमाम देश के गरीब गुरबा अकलियत के साथ ही दलितों का ये सब लोगों का आज बर्थडे है। बहुत बहुत धन्यवाद। कम है उतना कम है कभी मिले हैं लालू जी से? अरे हम हर साल मेरा अगला साल मेरा 75 kg का लड्डू आया था। अच्छा। अब 75 दौड़ा खाजा आया था। अच्छा। हर साल हम 30 साल से बाल दाढ़ी पका दिए यही मतलब सेवा करने में। इस बार क्या क्या लाए हैं? इस बार 76 kg का लड्डू और 76 किलो का मतलब क्या बोलते हैं 76 दौड़ा खाजा और सब बहुत अनेक आइटम है। 76 दौड़ा खाजा 76वां सालगिरह में और स्पेशल गिफ्ट भी है सब और 76 kg का लड्डू। अगला साल हम लोग 75 kg का लड्डू लेके आए थे। क्या चाहेंगे क्या चाहेंगे? लालू जी दीर्घायु रहे, लालू जी के 101वां जन्मदिन में भी हम 101 किलो का लड्डू बना करके हम दें, ये मेरा सौभाग्य हमको प्राप्त हो। हम जादूगर हाँ हाँ खाजा का दुकान है मेरा। अच्छा। अक्सर हाँ अक्सर हाँ लड्डू शुद्ध घी का लड्डू है, शुद्ध घी का ड्राई फ्रूट डाला हुआ 76 kg का लड्डू है। हम लोग देसी आदमी है, देसी चीज यूज करते हैं, विदेशी एक केक का चक्कर में नहीं रहते हैं। देसी लड्डू कटेगा तो देसी लड्डू ना खाइएगा। बर्थडे में कौन सी खाता है? लोग लड्डू ना खाएगा और क्या लाए हैं साथ में? 76 दौड़ा खा जा। बंद डिब्बा में क्या है? बंद डिब्बा में जो है खाया जाता है लेकिन बताया तो जा ही सकता है। ना ना बताया कैसे जाएगा? अरे जन्मदिन का शुभ जी नहीं, ना ना जन्मदिन की विशेष शुभकामना है। अनिल कुमार लेकिन आज भी उनका जोश जज्बा